हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड वेजीज में। आज हम बनाने जा रहे चीज़ पनीर मलाई कोफ्ता। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीक़ों से बनाना सिखाया है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। कोफ्ता के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करते हैं। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 4 इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा। अब इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज लेंगे, इसे भी डाल देंगे। और इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1 टुकड़ा अदरक और 4-5 लहसुन डालेंगे और थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद 4 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने बड़े बड़े साइज में काट लिया है, इसे डाल देंगे। इसे डालकर 2-3 मिनट तक इसे भून लेंगे। दो तीन मिनट तक मैंने टमाटर को भी भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 1 कप जितना पानी डालेंगे। अब हम इसमें 8 से 10 काजू डाल देंगे। अब इसे मीडियम आंच पे ढक कर 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इसे ठंडा करके पीसेंगे। अब इसके लिए हम कोफ्ता तैयार करेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने 6 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो 3 आलू ले। और ये 150 ग्राम पनीर है, जिसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू और पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ओरिगेनो है, जिसे हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे, 1 चम्मच धनिया, हरा धनिया, और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा घी ले लेंगे और इसे इस तरह से एक बॉल बनाएंगे, इस तरह से कटोरी जैसा बना करके इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे।
इस तरह से सारे बॉल्स बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि बॉल्स हमारा तलते समय फटे नहीं। इसे अब अच्छी तरह से मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसे अब मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब इसमें 2 चम्मच घर का फ्रेश क्रीम डाल देंगे और डालकर सभी को अच्छी तरह से पीस लेंगे। और अब हम कोफ्ता को तल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब एक एक करके कोफ्ता को डालेंगे और इसे मीडियम आंच पे छान लेंगे। आंच को तेज नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक तरफ से पक गया है, अब इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे और आंच को मीडियम ही रखेंगे और इसे ब्राउन होने तक तलेंगे। कोफ्ता हमारा ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब बाकी बचे कोफ्ता को भी इसी तरह तलकर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा कोफ्ता अंदर से कितना चीज़ी है। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए 1 चम्मच तेल डालेंगे और 2 चम्मच घी डालेंगे और जो मसाला मैंने पीस कर रखा था अब इसे हम डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे ढक करके 2-3 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट तक हो गया है, साइड साइड से तेल भी छोड़ दिया है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालकर ग्रेवी को थोड़ा पतला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका ग्रेवी पतला नहीं करना है, बस इस तरह से रखना है। इसमें अब 1 उबाल आने देते हैं। अब इसमें 1 उबाल आ गया है और गैस को कम कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर इसे मिला देंगे। और गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से कोफ्ता को डाल देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये आपको कैसा लगा।